तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यार हम लोग अपने प्रॉफिट को कैसे बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि यार हम लोगों का ऐसा एक फिक्स रूल बन गया है कि भाई जब तक स्टॉप लॉस होगा हम उस ट्रेड से बाहर नहीं निकलेंगे। हम लोग ये रूल तो अच्छा से फॉलो करते हैं, इसलिए हमारे बड़े बड़े लॉसेस भी होते हैं पर हम उतना ही बड़ा प्रॉफिट भी लेके निकल जाते हैं, तो हमें फायदा नहीं होता। जितना बड़ा लॉस उतना बड़ा प्रॉफिट, फायदा ही नहीं हुआ। इसलिए हमें बड़े बड़े प्रॉफिट लेने सीखने पड़ेंगे, और आप वो कैसे कर सकते हो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और देखो ये चीज़ बहुत ही सिंपल होने वाली है, जो हमने बेसिक सीख रखा है पहले से उसी का हम लोग यूज करेंगे चीज जानने के लिए। और एक बात यार कि मैं कोई प्रोफेशनलिस्ट नहीं हूँ जिसे सब कुछ पता, जो चीज़ मेरे लिए काम करती है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और जो बहुत बार ये होता है ना कि हम लोगों का बढ़ रहा है स्टॉक बढ़ रहा है, हम लोगों का टारगेट यहाँ है, वो यहाँ आके फिर रिवर्स हो जाता है, तो वो चीज़ आप कैसे हटा सकते हो कि लाइक वो चीज़ हो ही ना, या होने से पहले कैसे आपको पता चल जाए, वो भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलो इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये एक मैंने एग्जांपल के तौर पे रख रखा है। तो यार मान लो कि मुझे इसमें अगर ट्रेड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक इस तरह से सपोर्ट जोन में बना देता हूँ। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो कि यार ये एक मैंने सपोर्ट बना दिया। अब मान लो कि मैंने इसे पहले देख रखा है कि देखो यार ये एक बार गिरा था और इस पॉइंट से ऊपर चला गया, मैंने ये चीज़ देख रखा है। तो अब ये जैसे गिरा है तो मैं जैसे ही इसे ब्रेक करता है मैं इसी ग्रीन कैंडल में एंटर हो जाता हूँ। यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ एंटर, परफेक्ट। तो अब मेरा लॉजिकल स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ होना चाहिए? मेरा लॉजिकल टारगेट होना चाहिए एक रेजिस्टेंस से पहले, जहाँ यह चीज़ पहली बार गिरा है उससे पहले मेरे को प्रॉफिट बुक करना है। तो मेरा लॉजिकल कहाँ है? इस पॉइंट पे, कि मेरे को इस पॉइंट से पहले अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्योंकि आप ये चीज़ मिला लो, आप कहो तो खुद बैक टेस्ट करके देख लो, आपका जितना भी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा या जितना भी टारगेट आपका रिवर्स हो गया होगा, वो चीज़ इसीलिए हुआ होगा क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा उस पॉइंट पे। क्योंकि मार्केट हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वैल्यू करता है, वो उसे हमेशा रिस्पेक्ट करता है। तो अब जैसे ये एक एग्जांपल में हमारा यहाँ रेजिस्टेंस था, और जो लोग इससे पहले या इस पॉइंट पे टारगेट बुक कर लिए होंगे वो लोग ये देखे कि देखो पिछली बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो हम लोग निकल जाते हैं, तो वो लोग प्रॉफिट में होंगे। अगर जो लोग वेट किए होंगे कि नहीं यार हम वेट करते हैं नेक्स्ट डे शायद और भी ऊपर चला जाए, बहुत बड़ी कैंडल बनी है इसीलिए ये थोड़ा वेट कर रहा है, नेक्स्ट डे और भी बड़ी बड़ी कैंडल हमें देखने को इस तरह से मिलेंगी, तो वो लोग एट द एंड उनका लॉस हो गया होता क्योंकि प्रॉपर नीचे आ गया। एक मैं और एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ कि आप लोगों को और भी ये चीज़ कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। तो गाइस ये आप जैसा कि देख सकते हो कि ये एक प्रॉपर सपोर्ट पे है स्टॉक, ठीक है, ये चीज़ प्रॉपर सपोर्ट पे है और वही सेम लॉजिक। अब मैं आप लोगों को इसमें लॉजिक बाद में समझाता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होता है टारगेट बुक करते समय वो बता देता हूँ। अब जैसे यार हम लोगों को ये देखा जाए तो इस जगह पे आप जैसा कि देख सकते हो कि हमें एक पहले रेजिस्टेंस मिल रहा था, फिर इसने ब्रेक किया, फिर हमें एक इस तरह से अच्छा रैली देखने को मिला और फिर उतना डाउन भी आ गया, यानी कि ये इतना पार्ट ये जो था ये पूरा कवर हो गया, ये अप डाउन कवर हो गया। अब अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, अगर इसी आप रेजिस्टेंस जो पहले फेस कर रहा था इसी को थोड़ा खींच दो अगर, तो आपको दिखेगा कि यार जब ये गिर रहा था ना ये मार्केट, तभी भी इसने इसे थोड़ा रिस्पेक्ट किया, यानी चार पाँच दिन रुका है इधर और उसके बाद इसने तोड़ा है इसे, यानी रुका है, ठीक है, उसके बाद इसने ब्रेक किया। तो इस तरह से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा ही रिस्पेक्ट करते हुए मिल जाएगा। अगर हम इसी लाइन को थोड़ा और इस तरह से खींच दें तो हमें दिखेगा कि यार अगर मान लो कोई बंदा यहाँ ट्रेड लिया होता ये चीज़ देख के कि ये चीज़ जैसे ही ब्रेकआउट होगी इस बड़े वाले कैंडल पर मैं ट्रेड लूँगा, तो जो इस कैंडल में ट्रेड लिया होगा उसको यहाँ टारगेट बुक कर लेना चाहिए था, नहीं तो एट द एंड हुआ क्या, वो फिर नीचे ही आ गया। मैं एक आप लोगों को सिंपल तरीके से और भी समझा देता हूँ कि जो लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है उनको समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि यार ये एक रेजिस्टेंस है और हमारा टारगेट आ रहा है यहाँ, कि हम अपना टारगेट यहाँ बुक करेंगे, मान लो ये हमारा टारगेट है तो हम अपना टारगेट यहाँ बुक करेंगे, पर यहाँ एक रेजिस्टेंस है और हमने लेट सपोज बाय यहाँ किया, तो ये नहीं हो सकता कि ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे तोड़ के निकल जाए, ये नहीं होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है। तो ये चीज़ जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वो लोग अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं करेगा। देखो रिस्पेक्ट तब नहीं करेगा जब वो रेजिस्टेंस बहुत बार टच हो गया होगा। अब जैसे मान लो एक बार गया है, दो फिर नीचे आ गया, फिर गया है फिर नीचे आ गया और तीसरी चौथी बार जा रहा है तो शायद ये ब्रेक कर दे, ये चीज़ हो सकती है। पर अगर कोई कहे कि एक ही बार में ब्रेक कर दे वो नहीं होगा। तो आपको सिंपली करना ये है कि ये जैसे जाए आपको यहीं अपना टारगेट बुक कर लेना है,
तो आपको ये देखना है कि क्या ये एक टारगेट बनता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, क्या ये चीज़ सही होगी मेरे लिए, होगी तो आपको ये चीज़ करनी है, अगर नहीं होगी तो ये ट्रेड मत लो, सिंपल सा है। क्योंकि आपको ये टारगेट अचीव ना हो, शायद ये चीज़ इतना जाए ही ना, ये यहीं से घूम के फिर नीचे आ जाए, तो ऐसे हमारे साथ केसेस होते रहते हैं। और पहले हमें समझ में नहीं आता कि क्यों होते हैं, पर उसके पीछे का मेन लॉजिक ये होता है कि वो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट कर रहा है। क्योंकि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के बाय करते हैं, तो हम लोग अपने मन में यही रखते हैं कि यार देखो ये इसे पॉइंट को रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें फ़ायदा होगा। पर अगर वही चीज़ हम लोग के अगेंस्ट में है, तो हम लोग ये मनाते हैं कि भाई ये सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को फॉलो ना करे, रिस्पेक्ट ना करे, उसको तोड़ के ऊपर चला जाए, तो ये चीज़ नहीं होने वाली है। क्योंकि यार इस तरह से तो चीज़ें नहीं काम करती हैं। तो आप अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो आपका स्टॉप लॉस भी अच्छा हो सकता है, आप उसके हिसाब से अच्छे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, टारगेट आप इस तरह से सेट कर सकते हो, बड़े बड़े प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए लास्ट में बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर अच्छा लगा है तो। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।